क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑफ पेपर वन ट्राई करते हैं. मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप में क्वेश्चन है. क्वेश्चन में क्या है, आपको एक फंक्शन गिवन है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, बेसिकली हमें ये फंक्शन निकालना है और फंक्शन निकालने के बाद हमें ये ऑप्शंस चेक करने हैं उस फंक्शन के बारे में. तो ये जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है जिसमें फंक्शन जो है वो इंटीग्रल साइन के अंदर फंसा हुआ है. ऐसा क्वेश्चन हमने सिमिलर क्वेश्चन हमने रिवीजन में किया था और आपको ये भी बताया था कि जब फंक्शन इंटीग्रल साइन के अंदर फंसा हुआ है तो हम क्या करते हैं, लेबनिट्स रूल यूज़ करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं. पर यहाँ पे e पावर x माइनस t है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले e पावर x को इंटीग्रल साइन से बाहर लेके आएंगे फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे. ये भी हमने स्पेसिफिकली रिवीजन वीडियो में डिस्कस किया था. सो वी हैव इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस e पावर x मल्टीप्लाई बाय दिस इंटीग्रल. ओके, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. सो वी हैव एफ डैश x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस e पावर x मल्टीप्लाई बाय e पावर x मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव ये होगा, प्लस ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय दिस इंटीग्रल. ठीक है, इस इंटीग्रल का वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं इस इक्वेशन से. तो ये हो जाएगा माइनस टू प्लस एफ एक्स, ठीक है, माइनस वन प्लस टू एक्स प्लस एफ एक्स. सो वी हैव नाउ एफ डैश एक्स माइनस टू एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री. अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पी का वैल्यू जो है वो है माइनस टू एंड क्यू का वैल्यू जो है वो है टू एक्स माइनस थ्री. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस विल बी ई पावर माइनस टू डी एक्स विच इज इक्वल टू ई पावर माइनस टू एक्स. तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा वाई मल्टीप्लाई बाय ई पावर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू क्यू, क्यू इज टू एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर माइनस टू एक्स डी एक्स प्लस सी. आप इसको इंटीग्रेट करेंगे कैसे, यूजिंग बाय पार्ट्स. ओके, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा माइनस टू एक्स माइनस थ्री अपॉन टू मल्टीप्लाई बाई ई पावर माइनस टू एक्स माइनस ई पावर माइनस टू एक्स अपॉन टू प्लस सी. बाय पार्ट से इंटीग्रेट आप कर लें, ये आपके ऊपर मैंने छोड़ा है. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों साइड्स ई पावर टू एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं. तो वाई इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस थ्री अपॉन टू. ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन प्लस सी मल्टीप्लाई बाई ई पावर टू एक्स. सो वी है वाई इज इक्वल टू दिस इज वन माइनस एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई बाई ई पावर टू एक्स. सी का वैल्यू निकालने के लिए हम चले जाते हैं मदर इक्वेशन के ऊपर. यहाँ पे हम एक्स का वैल्यू ज़ीरो रख लेते हैं. जब एक्स को ज़ीरो रखेंगे तो एफ ऑफ ज़ीरो का जो वैल्यू है, व्हाट इज़ एफ ऑफ ज़ीरो, दिस इज इक्वल टू वन माइनस ज़ीरो प्लस ज़ीरो से ज़ीरो इंटीग्रेशन ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, तो प्लस ज़ीरो, तो एफ ऑफ ज़ीरो का जो वैल्यू है वो वन है. यहाँ पे एक्स को ज़ीरो रखते हैं सो वी है वन इज इक्वल टू, ये वाई जो है वो एफ एक्स ही है. तो जब एक्स को ज़ीरो रखेंगे तो वाई का वैल्यू वन होगा. सो वी हैव वन इज इक्वल टू वन प्लस सी मल्टीप्लाई बाय वन. तो सी का वैल्यू हो गया ज़ीरो. तो देखो फंक्शन कितना सिंपल हो गया, फंक्शन आ रहा है वाई इज इक्वल टू वन माइनस एक्स. स्ट्रेट लाइन फंक्शन आ रहा है, इससे आसान फंक्शन क्या हो सकता है. ये कहाँ से पास हो रहा है, इज़ इट पासिंग थ्रू पॉइंट वन कॉमा टू, वन कॉमा टू से ये पास नहीं हो रहा है. इनफैक्ट ये कहाँ से पास हो रहा है, टू कॉमा माइनस वन से. तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन गलत है. देन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन फॉर दिस इनइक्वालिटी. अब एफ एक्स हमें मिल गया है, एफ एक्स जो है उसको रख लेते हैं. दिस इज वन माइनस एक्स. सो वी हैव नाउ दिस इनइक्वालिटी, वन माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई लेस देन और इक्वल टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. इसका हमें एरिया निकालना है. तो हम इन इनइक्वालिटीज़ को प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर. ओके, जब मैं यहाँ पे इक्वल टू साइन लूँगा तो ये क्या है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द सर्कल विच लाइज अबोव एक्स एक्सिस. ये सर्कल होगा जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस क्या है, वन. ठीक है ना, आप इक्वल टू साइन रखो, दोनों साइड स्क्वायर करो तो आपको इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन. नाउ वी हैव वाई लेस देन और इक्वल टू दिस, यानी कौन सा रीजन होगा, इस सेमी सर्कल के अंदर का रीजन होगा. ठीक है, एंड देन वी हैव वन माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई.
अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लेता हूँ तो मुझे लाइन मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू वन, ये जो पॉइंट है 0,1 है, तो ये जो लाइन है वो कहाँ से पास होगा, ये पास होगा इन दोनों पॉइंट से, ठीक है। और हमें चाहिए y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो कौन सा रीजन आएगा, इस लाइन से ऊपर का रीजन आएगा, तो कॉमन रीजन जो सर्कल के अंदर है एंड इस लाइन के ऊपर है वो कौन सा रीजन होगा, ये रीजन होगा, हमें इसका एरिया निकालना है। तो ये बहुत आसान है, इसमें तो इंटीग्रेशन की ज़रूरत हमें नहीं है, हम इस ये जो क्वाड्रेंट है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ये एरिया है वो निकालेंगे, सेक्टर एरिया। व्हाट इज़ द सेक्टर एरिया, द सेक्टर एरिया इज़ एरिया ऑफ सर्कल अपॉन फोर, क्योंकि ये इसका फोर्थ पार्ट है, माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विच इज़ हाफ मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई बाय वन, सो वी हैव दिस इज इक्वल टू पाई माइनस टू अपॉन फोर, सो दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन, डी जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन जो है हम आसान तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसमें लेबनिट्स रूल लग रहा है, और उसके बाद जो इक्वेशन आ रहा है वो क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है, उसके बाद इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है जिसमें हमें एरिया निकालना है, पर फॉर्चुनेटली एरिया के लिए हमें यहाँ पे कहीं पे इंटीग्रेट नहीं करना है।